उनको लगता है कि कुछ प्रश्न और उनके बचे हैं, तो उनको फिर आप दोबारा डेट देके बुला लीजिए। आप दो बार गई भी थी, क्या आप उनसे मुलाकात कर पाई? दवा कुछ? देखिए, एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और डेढ़ घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था। उनके पास जाने दिया गया था? जाने दिया गया था उस समय। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं जाने दिया गया है। खाना भी भिजवा दिया हमने, खाया नहीं खाया, क्योंकि वो कभी भी खुद से खाना नहीं खाते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो खाना तो खुद से वो खाते नहीं है। और तो अब जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि अंदर क्या था, कैसे था। कुछ आपके वकील या कोई ईडी के वहाँ पे टीम से बात करनी है, कुछ है कि कब तक? नहीं नहीं, कोई तैयार नहीं है, कोई भी ईडी का अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका इंटेंशन क्या लग रहा है आप लोगों को? अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। कल सरकार गिरी और आज बुला लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कह रही हूँ कि समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं। आपको नहीं लगा कि क्या पहले से था, क्योंकि कल पहले से डेट सब कुछ फिक्स था, अचानक तो हुआ नहीं सरकार गिरी है और आज का इनका डेट है, कल तेजस्वी जी का डेट है? देखिए, आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माता जी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे, और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। बाहर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सेंट्रल एजेंसी के फोर्सेज आ गए हैं, सीआरपीएफ एंड ऑल, तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? देखिए, कर भी सकती है ये सरकार, ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी। बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप, बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके। मेरे पास घड़ी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 11 बजे वो अंदर गए थे, और 11 बजे से अभी क्या समय हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 घंटे से ऊपर हो गए होंगे। तो एक बीमार आदमी को इतने देर बिठा के रखना, जिसने मतलब 15 बीमारियां हैं उसको, एज उनका है, और लगभग 1 साल होने जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनको छोड़ देना चाहिए, और उनको लगता है कि कुछ प्रश्न और उनके बचे हैं, तो उनको फिर आप दोबारा डेट देके बुला लीजिए। आप दो बार गई भी थी, क्या आप उनसे मुलाकात कर पाई? दवा कुछ? देखिए, एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और डेढ़ घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था।